हाँ जी कोई 16-17 साल पहले भारती बहन मुझे फोन करती थी कि मुझसे एक मीटिंग करनी है, बस 10 मिनट लगेंगे, मैं बड़ी बिजी अपने दुनिया में, तो मैं हाँ, ओके। फाइनली एक मीटिंग रखी, वो मेरे घर आई, वो 10 मिनट की मीटिंग होने वाली थी, वो 1 घंटा चलती रही, क्योंकि मैं उनकी बातें सुनती ही रह गई कि एक ही मुंशी योजना ट्रस्ट क्या काम करती है और इस ये काम का असर क्या होता है, इसकी अहमियत क्या हो रही है, जो बाहर से समझ नहीं आता, आप सिर्फ बच्चों को देखते हैं, मगर ये ऐसे घरों से आते हैं जहाँ पर जब ये ऐसे पैदा हो या कुछ हो तो उन्हें बोझ समझा जाता है। भारती जी बताती थी कि ऐसे बच्चों को वो लोग, क्योंकि काम पर जाना पड़ता है, उनके पास ये मीन्स नहीं है, ये पैसे नहीं है कि किसी को उनकी देखभाल के लिए रखें, तो ऐसे बच्चों को लॉक करके घर में चले जाते हैं, क्योंकि रोजी रोटी भी कमानी, बहुत मजबूरी से आते हैं ये बच्चे। इन्हें ये शुरुआत में खुद अपने आप कुछ भी नहीं कर पाते, इन्हें एक एक चीज़ सिखानी पड़ती है कि बस में कैसे जाना है, या पैसे कैसे गिनने हैं, या घर में कोई मदद कैसे की जाती है, ये माँ बाप नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें वो घर, वो खुद काम करें या बच्चों की देखभाल करें या क्या करें, तो ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे जैसे भी हों, चाहे वो ज़्यादा चैलेंज्ड हों या कम, जैसे भी हों, अगर वो मदद के लिए एक ही मुंशी योजना के दरवाज़े पर आते हैं तो उन सबको ले लिया जाता है, किसी को भी वो ये ऐसे नहीं कहते कि नहीं आपको हम मदद नहीं कर सकते। और सिर्फ बच्चों की मदद नहीं होती, इसमें परिवार को भी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी समझाना पड़ता है कि कैसे इनको, इनकी देखभाल की, और उनकी भी मानसिक प्रबलता के लिए उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है। तो बहुत कुछ, मैं तो मतलब मैं दंग रह गई, मैंने ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि ये 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 जो ये काम कर रहे हैं वो कितना कितना गहरा है और कितना सच्चा है। और मैं ये बच्चों का प्यार ज़्यादा है मस्त से, मैं तो साल में 2-4 बार जब भी हो सकता है इनका कोई फंक्शन होता है तो मैं चली जाती हूँ, मैं इनकी मदद कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ। एंड सच्ची आई थिंक ये लोग मुझे प्यार बहुत देते हैं, इट्स वेरी स्वीट ऑफ देम एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बिकॉज मैं देखती हूँ कि हर साल इनके प्रोग्राम बड़े हो जाते हैं, इनकी अचीवमेंट्स बड़ी हो जाती हैं, किसी को नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में प्राइजेस मिले हैं, सिल्वर गोल्ड, किसी को कला में मिले हैं, किसी को डांसिंग में मिले हैं इनके स्टूडेंट्स को, तो आई फील कि अरे यार ये लोग मतलब कुछ काम बहुत अच्छे कर रहे हैं एंड हमारे बच्चे ये सब कर रहे हैं। और सच्ची उनका, उनकी कोई कोई तो खूबी देखो तो अगेन यू आर अमेज्ड, क्योंकि एक बच्चा था स्पाइडरमैन, बिना एक पेपर दो उसको, बिना पेंसिल उठा, एक बार उसने पेंसिल से शुरू की पूरा स्पाइडरमैन परफेक्ट बन जाता है। एक दूसरा बच्चा था, आप उसको पूछोगे मेरा सन 2015 में मेरा बर्थडे 13 नवंबर किस दिन आया, थर्सडे, कैसे पता उसको, पता नहीं, मगर परफेक्ट, आप उसको बोलो गांधी जी इस दिन पैदा हुए थे उस साल में, उनका बर्थडे या उनका जन्मदिन किस दिन पर हुआ, पट बोल देता। तो बहुत कमाल के ही बच्चे हैं ये, उनकी अलग अलग खूबियाँ हैं, एक है कि वर्ली पेंटिंग इतना कमाल का बनाता था, आई थिंक ही वन सम प्राइजेस ऑल्सो, तो ये सब उनमें कला ढूंढना, उसको उभारना, ये सब इनका काम है। और मैं सच्ची आती हूँ, थोड़ी बहुत मदद कर लेती हूँ बस, आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड। बहुत बड़ा दिन है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, सेलिब्रेशन का? सेलिब्रेशन आया, जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट, और मुझे लगता है बस अगर इनकी कोई मदद कर सके तो प्लीज़ हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ही सिंसियर और बहुत ही सच्चाई से काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन्हें हमेशा मदद की ज़रूरत रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो जिस बैकग्राउंड से आते हैं वो बहुत ही क्या सही लफ्ज़ ढूंढ रही हूँ उसके लिए,
बहुत छोटे छोटे घरों से आते हैं, तो इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ हाथ आगे बढ़ाइएगा. ये ऑर्गेनाइजेशन सेवा कर रहे हैं, ये हर समय तुम्हारे को उनको ये फीलिंग देना चाहिए, दे इक्वल टू अस. उनको ऐसा नहीं शर्म करनी चाहिए कि हमारे में ये कमी है. हमारे को ऑलवेज उनमें उनको मोटिवेट करना है, एट द पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी व्हाट वैल्यू, जो वैल्यू हमारी है वो सेम वैल्यू आपकी है. यू आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सोसाइटी. ऑलवेज वी हैव टू मोटिवेट इन एवरी वे. वी हैव टू, मतलब उनको क्या है कि भाई जैसे खेलों के अंदर उनको मोटिवेट करें, पार्टिसिपेट करें, और वो जब जीते तो हम उनको उनके लिए भी सेलिब्रेशन करें, प्राइजेस रखें, पढ़ने में, काम में, जहाँ भी उनके लिए अपने को काम कराने की जगह तो उनको काम में प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट राइट उनका बनता है दूसरों के कंपेयर में, क्योंकि वो भी सक्षम है. अगर उनको मोटिवेट करेंगे तो वो समाज में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और स्वाभिमान से जी सकते हैं. दिस इज़ अवर ड्यूटी. जिनके साथ नेचर ने अच्छा नहीं किया तो हमारा फर्ज बनता है उनको अपन एटलीस्ट अपने से इक्वल तो रखें और वो सबके लिए ब्लेसिंग्स बन जाए, न कि लायबिलिटी. सर, आप इस योजना से कब से जुड़े हैं? मैं इस योजना से ऑलमोस्ट 3 साल से जुड़ा हुआ. सर, आपका इसमें कितना योगदान है? जो मेरे से मांगते मैं वो देता हूँ. देखिए, जस्ट यू सी, हम लोग हैं, हमारा परिवार बहुत योजनाओं से जुड़ा हुआ है. जैसे एकल विद्यालय ट्रैवल एरियाज में 81,000 स्कूल चलते हैं, उसका मैं नेशनल पैटर्न हूँ. और जैसे यहाँ पहले एक सपोर्ट ग्रुप था स्ट्रीट चिल्ड्रन, उसको रिहेबिलिट करने के लिए हम बहुत वो कंट्रीब्यूशन करते हैं. वी नेवर एवर यूज वर्ड इज चैरिटी और डोनेशन. ऑलवेज वी से इज द कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज द अवर, वी आर रीपेइंग लोन टू भारत माता. सर, इस योजना से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन हैं, जैसे वेल्स से जो डिसेबल्ड हैं, तो उनको हमारे को अपने से इक्वली समझना चाहिए और इक्वली रेस्पेक्ट देना चाहिए, जिनसे कि उनको ऐसा नहीं हो कि किसी वजह से कुदरत ने उनसे अन्याय किया है, सोसाइटी भी उसको इनकरेज करे. नहीं, वी हैव टू गिव देम प्रायोरिटी इन ईच एंड एवरी सेक्टर. दिस इज माय विश. भाई देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी हेल्प मिलती है एग्जैक्टली आई डोंट नो. हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और ये जो चीज़ें फैलती जाएगी, हमारे जैसे लोग इसको फैलाते जाएंगे कि भाई जैसे ये कार्य बढ़ता जाएगा, कि हम ये देखें कि कोई भी घर में बच्चा नहीं बैठे, किसी न किसी एक्टिविटी के अंदर वो पार्टिसिपेट करे. तो मतलब वी इट्स अवर ड्यूटी टू कीप देम बिजी एंड लीव विद ऑनर. दिस इज माय मिशन एंड दिस इज माय थिंकिंग. आई वांट टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल ऑफ अवर कंट्री, ट्राई देयर बेस्ट टू मोटिवेट दिस किड्स. थिंक दिस आर पार्ट ऑफ अवर फैमिली, देन दे फील वेरी हैप्पी. थैंक यू. मैं एके मुंशी योजना को के साथ लगभग 15 से 20 साल से जुड़ा हूँ. मैं वहाँ का विधायक था तब से और आज तक. मैं हरेक कार्यक्रम में, और वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्कूल है, इसलिए मैं और भी अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि ये जो काम है ऐसा काम कोई कर नहीं सकता. अपने घर में भी इफ यू गॉट वन चाइल्ड हू इज मेंटली रिटार्डेड, इट्स अ बिग वरी. बट दिस स्कूल एंड द स्टाफ, स्पेशली भारतीबेन एंड अजीत भाई एंड अदर्स, दे टेक केयर ऑफ 300 to 400 चिल्ड्रन हु आर सच मेंटली रिटार्डेड. इजंट इट अमेजिंग? अपने घर में एक लड़का भी हो तो हमको उसको संभाल नहीं पाएंगे, मगर ये 300 सारे, कम से कम वो माँ बाप को संतोष तो होता है कि मेरा बच्चा स्कूल गया, वह 2-3 घंटा उसको चेंज मिलता है, पेरेंट्स को चेंज मिलता है. और ये ऐसा नेक काम, ये ईश्वरीय काम करते हैं, इससे मैं भी अपने आप को पूरा उनके
साथ रहता हूँ। मैंने, मुझे याद है, मैं विधायक था, पहला कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर मैंने स्कूल में दिए थे। और वो स्कूल में जो आज देखो जूही चावला जुड़ी है, बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, क्यों? क्योंकि इनका काम देखकर ये बहुत आनंदित होते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं आज यहाँ पर आके अपने आप को बहुत गौरवान्वित समझता हूँ। सर, 59 इयर्स कंप्लीट हो गए, आज बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? या ये इनका टाइटल है जोश, तो मैं तो सब चीजों में हाउ इज द जोश इज एक्सलेंट, सो दिस इज वेरी गुड बिकॉज 59 इयर्स इस संस्था को तो हुए। लास्ट वीक की मैं संडे को, इन्होंने एक मेडिकल सेंटर खोला है वहाँ पर, व्हाट डू यू कॉल, मेडिकल सेंटर खोला है प्रार्थना समाज पर, और वहाँ भी मैं था। सरलाबेन जो पहली उनकी ट्रस्टी है, उन्होंने ये जो एके मुंशी योजना करी है, और आज उनका ग्रैंड सन वकील एडवोकेट मुंशी भी आए हैं। सो दिस इज समथिंग यूनिक हैपनिंग इन द सिटी ऑफ मुंबई दैट यू कैनॉट गेट सच एन इंस्टीट्यूशन वर्किंग सेल्फलेसली फॉर द डाउन ट्रोडन, द रिटार्डेड एंड स्पेशली द मेंटली रिटार्डेड। बाकी एनजीओ को यही कहूंगा कि आज देश में अनेक प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम सब ने अपना योग स्वच्छता में, मैं खुद चौकीदार बन सकता हूं अपने बिल्डिंग का, अपने घर का। इसी तरह से समाज में जो कमियां हैं उसके बारे में भी समाज ने, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट की अपनी आप रिस्ट्रिक्शन है, मगर ज्यादा से ज्यादा एनजीओ, क्योंकि हर एक एरिया में आज हिंदुस्तान में इस तरह के बच्चे होंगे, तो उसकी इस स्कूल को देखकर अगर काम करेंगे तो सचमुच में अपना एक देश बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। थैंक यू।